अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज 22 दिसंबर है और मंगल का दिन है। आज हम उर्दू एक का नमक नया सबक शुरू करेंगे, पहाड़ और गिलहरी। पहले हम कुछ रीडिंग करेंगे, फिर हम इसके अल्फाज मानी और दो सवाल करेंगे। तो रीडिंग ऐसे शुरू करते हैं। एक दिन एक पहाड़ ने गिलहरी से कहा, मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ, मेरे मुकाबले में तुम बहुत छोटी हो। मुझे अपनी शान पर फ़ख्र है, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। ये सुनकर गिलहरी बोली, ये सच है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे भी बहुत सी खूबियाँ दी हैं। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो ज़रा मेरी तरह ये छालियाँ तोड़ कर दिखाओ। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ की अपनी खसूसियत और अहमियत है। आए इस वाक़े के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक नज़म के कुछ अशार पढ़ें। कोई पहाड़ यह कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जागे डूब मरे, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे, जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। बच्चों यहाँ तक हम इसकी रीडिंग करेंगे, अब हम इसके अल्फाज मानी करेंगे कॉपी पर और दो सवाल। जी थ्री क्लास, अभी हमने सबक नंबर 22 की रीडिंग की थी, अब हम इसके अल्फाज मानी करेंगे और दो सवाल करेंगे। अल्फाज मानी है, पहले आपने सवाल लिखना है। सवाल नंबर 1, अल्फाज के मायने लिखे, फिर सेंटर में लाइन लगानी है, एक तरफ अल्फाज एक तरफ मायनी। पहले लफ्ज है पस, इसका मतलब है नीचा। मिसाल हैसियत निकम्मी बेकार, फकर गरूर, खुसूसियत खासियत। ठीक है, अब आपने दूसरे पेज में सवाल जवाब करने। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, पहाड़ किस जानवर से बात कर रहा था? इसका जवाब है, पहाड़ गिलहरी से बात कर रहा था। सवाल नंबर 2 है, पहाड़ को अपने ऊपर गरूर क्यों था? इसका जवाब है, पहाड़ को अपने ऊपर गरूर इसलिए था कि वो जमीन से बहुत ऊंचा था। बच्चों का